अमीर और गरीब बहू का ससुराल में पहला दिन। सुनो, मेरे हाथों में दूल्हा दुल्हन वाली मेहंदी लगाना, बिकॉज ऑफ आजकल वो ट्रेंड में चल रहा है और मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर दुल्हन लगना चाहती हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए प्रिया मैडम, आपने जैसा कहा है मैं आपको डिट्टो वही मेहंदी डिजाइन लगाऊंगी। मेरी होने वाली बहू को एकदम भरे हाथों की मेहंदी लगाना मेहंदी वाली, और मेरी बहू के हाथों में मेरे बेटे का नाम लिखना मत भूलना। ये कहते हुए सुमित्रा शगुन से भरी चांदी की थाली लिए अंदर आती है, जहां प्रिया की मेहंदी और संगीत की रस्म चल रही होती है। तभी मीनू कहती है, नमस्ते समधन जी, आइए ना बैठिए, मैं चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। जी नहीं मीनू जी, मैं प्रिया की शादी का लहंगा लेकर आई हूँ, अभी आदित्य को भी शादी की हल्दी मेहंदी लगाना बाकी है। वैसे सजावट बहुत ही सुंदर की है। अच्छा चलती हूँ। माँ जल्दी से मुझे मेरी शादी का जोड़ा दिखा दो प्लीज माँ। ओफो ये लड़की भी ना, प्रिया चुपचाप होकर मेहंदी लगवा ली। माँ प्लीज मुझे मेरा लहंगा दिखा दो ना, बस एक मिनट तो लगेगा। अच्छा बाबा ठीक है, ये ले देख, अब खुश? अपनी शादी का लहंगा देखकर प्रिया बहुत खुश होती है। जहाँ एक तरफ तो अमीरों की शादियाँ बड़ी धूमधाम से होती हैं, वहीं एक गरीब अपनी बेटी की शादी किस तरह से करता है, आइए देखते हैं। आरती एक फीकी पुरानी सी साड़ी पहनकर जमीन पर बैठी होती है और उसकी गरीब माँ गायत्री उसे हल्दी लगा रही होती है। तभी उसकी आंख भर आती है। माँ क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? अपनी माँ को तुझे जी भर के देख लेने दे मेरी बच्ची, आज तुझे हल्दी और मेहंदी लग रही है और कल तेरी विदाई हो जाएगी। जानती है आरती बेटी, एक लड़की के लिए शादी का पल खुशी और दुख दोनों से भरा होता है। उसे अपने मायके को छोड़कर अपने ससुराल जाना होता है, मगर ससुराल का पहला दिन हर लड़की के लिए वो पल होता है जिसका एहसास जिंदगी भर उसके मन में रहता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरी बच्ची तुझे हर खुशी मिले। एक लड़की के लिए जिंदगी भर के लिए अपना घर बार छोड़कर पराए घर जाना कहाँ आसान होता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहाँ एक तरफ आरती की शादी गरीबी के चलते बहुत ही साधारण तरीके से रमेश के साथ होती है, वहीं प्रिया की शादी आलिशान महंगे बैंकेट में बड़ी धूमधाम के साथ होती है और वो अमीर घर की बहू बनकर आती है, जहाँ नौकर चाकर ऐशो आराम सब था। ससुराल में उसका स्वागत भी रानियों की तरह होता है। वहीं आरती का ससुराल एक कच्चा पुराना किराए का घर था, जहाँ आरती की गरीब सास फटी पुरानी साड़ी में उसका स्वागत करती है। आओ आरती बहू, मेरे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके आरती अपनी सास के पैर छूती है। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो, आज से तुम ही मेरे इस गरीब घर की लक्ष्मी हो। जमुना और सुमित्रा एक दूसरे की पड़ोसन तो है, मगर एक बहुत ही गरीब तो एक बहुत ही अमीर है। अगले दिन आरती और प्रिया दोनों का ही ससुराल में पहला दिन होता है। आरती सुबह सुबह उठकर ससुराल की सफाई में लग जाती है, वहीं प्रिया भी सुबह उठकर बुदबुदाते हुए कमरे से बाहर आती है। ओह नो, शिट शिट शिट, 7 बज गए। प्रिया आज तो तेरा ससुराल में पहला दिन था और तू पहले दिन ही उठने में लेट हो गई। ये कहते हुए प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो घर के नौकर चाकर साफ सफाई में लगे होते हैं और प्रिया की सास सुमित्रा उन्हें काम समझा रही होती है। भोला जल्दी से सफाई करके रसोई भी साफ कर देना, और प्रिया बहू के उठने से पहले उसकी ब्लैक टी कमरे में ले जाना। अजी मालकिन हो जाएगा। इतने में प्रिया हिचकिचाते हुए अपनी सास से कहती है, गुड मॉर्निंग सासूमा। खूब खुश रहो मेरी प्यारी बहू रानी, मगर तुम्हें इतनी जल्दी उठने को किसने कहा था? आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और तुम्हारी मुंह दिखाई शाम को है, तो आराम से सोकर उठती। ये बोलकर सुमित्रा अपनी बहू प्रिया को कमरे में भेज देती है और नौकर चाकर से खाना बनवा कर प्रिया को बुलाती है। प्रिया बहू आ गई तुम, देखो मैंने सारा खाना अपनी प्यारी बहू के मन पसंद का बनाया है और आज तुम्हारी सासू माँ अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाएगी। अपनी सास का प्यार भरा स्वभाव देखकर प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सासू माँ काश कि हर लड़की का ससुराल मुझ जैसा मिले, तो उसे अपने मायके की कभी याद ना आए।
देखो बहू, हर लड़के को अपना घर बार एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ता है। ये सदियों से चली आ रही रीत है जिसे मैं बदल नहीं सकती। मगर मैं जानती हूँ एक लड़की के लिए ससुराल का पहला दिन कितना कीमती होता है। उसे पल पल अपने मायके की याद आती है, इसलिए मैं तेरी माँ तो बन ही सकती हूँ। अच्छा चल, जल्दी से खा ले, फिर तुझे किसी से मिलाने लेकर चलना है। एक तरफ जहाँ प्रिया के लिए ससुराल में उसका पहला दिन बहुत सारी खुशियों से भरा हुआ होता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू आरती शादी के बाद ससुराल के पहले दिन के लिए देखे गए सपनों को लिए हुए रसोई में आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई में मैं क्या बनाऊं? बस यही थोड़ा बहुत राशन है बहू, मिला जुला कर जो भी बना दे। बेचारी गरीब बहू थोड़े से राशन से भी गरीबी में भी खुशी से चूल्हा फूंक कर पूरी सब्जी बना देती है। इतने में उसका पति रमेश हाथों में शराब के बोतल लिए हुए नशे में रसोई में आता है। तभी उसके मुंह से उठे शराब के भपके के चलते आरती कहती है, अजी आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और आपने शराब पी है। इस पर गुस्से से बिलबिला कर रमेश बेचारी आरती के बाल खींचते हुए कहता है, तेरी माँ का मगरमच्छ पति से जुबान लड़ाती साली, मैंने अपने पैसों से पिए शराब, तेरे बाप के पैसों से नहीं पिए, आया समझ में तुझे। शादी के पहले दिन ही रमेश आरती के साथ खूब मारपीट करता है। तभी जमुना आती है, रमेश मैं कहती हूँ छोड़ बहू को। हट जा बुढ़िया, वरना बहू के साथ साथ सास की भी सुताई हो जाएगी, चल हट जा मेरे सामने से। आरती अपने पति से मार खा रही होती है, तभी सुमित्रा अपनी बहू प्रिया के साथ उसके घर मुंह दिखाई में आने का न्योता देने आ जाती है और दरवाजे पर खड़ी प्रिया रमेश को इस तरह से आरती को मारता देखकर उसे धमकाते हुए कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें पति होकर अपनी पत्नी को इस तरह से जानवरों की तरह पीटते हुए? अब ये फिल्म कौन है, तू होती कौन है, हम दोनों मियां बीवी के बीच में बोलने वाली? हाँ तेरे को समझ नहीं आता है क्या, यह हमारा आपसी मामला है। मैं एक औरत हूँ और मेरे सामने एक दूसरी औरत के साथ इस तरह का जुल्म होते मैं नहीं देख सकती। अरे जो लड़की तुम्हारे लिए अपने माँ बाप और घर बार सब कुछ छोड़कर तुम्हारा घर बसाने आई है, तुम उससे प्यार से पेश आने की जगह ये कर रहे हो? छी, इसका हिसाब किताब तो पुलिस वाले ही करेंगे, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अरे ओ भगवान से दो दिन की छोटी उम्र वाली एक्सपायरी बुढ़िया, पुलिस की धमकी मेरे को देती है कह रहे तू? बुला तू पुलिस को, आई एम रेडी फॉर एवरी चक्की पिसिंग पिसिंग पिसिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। सुमित्रा को पुलिस को फोन लगाता देखकर आरती हाथ जोड़कर कहती है, नहीं नहीं आंटी जी, भगवान के लिए पुलिस को मत बुलाइए, वरना मेरे ससुराल की इज्जत पर दाग लग जाएगा और ऐसा होते हुए मैं नहीं देख सकती। देख ले रमेश, तू बेटा होकर भी अपनी माँ के लिए बेटे का फर्ज कभी नहीं निभा पाया, इसलिए इस उम्र में भी जब तेरी माँ को आराम करना चाहिए था तो वो बेचारी इस गरीबी के चलते कोठी में रोटी बनाने का काम करके तुझे खिला रही है। एक बात और रमेश जी, मर्द की मर्दानगी औरत पर हाथ उठाने में नहीं होती, और पता है एक औरत और मर्द में क्या फर्क है? एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल आती है ना, तो शादी के पहले दिन से ही ससुराल को अपना घर समझने लगती है, मगर मर्द अपनी पत्नी के घर को कभी अपना घर नहीं समझ पाता। प्रिया और सुमित्रा की कही गई कड़वी बातें सुनकर रमेश का सारा नशा टूट जाता है और वो खुद को कोसने लगता है, ये नशे में मुझे क्या हो गया, भगवान जिसके साथ मैं सात फेरे लेकर उसे अपने घर लेकर आया था, मैंने उस पर हाथ उठाया, यही हाथ उठाया था ना मैंने तुम पर आरती, अब ये हाथ ही नहीं रहेंगे मेरे, देखो मैं तोड़ दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। ये कहते हुए रमेश अपना हाथ पटकने लगता है। तभी आरती आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, बस कीजिए, खुद को सजा मत दीजिए, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। इस तरह से अमीर गरीब बहुओं के लिए ससुराल में उनका पहला दिन खट्टी मीठी यादों से भरा हुआ बीतता है। वहीं रमेश के सुधर जाने के बाद आरती को भी ससुराल में उसके हिस्से की खुशियां मिल जाती हैं। चार
शारदा की तीन काली बहू थी जिनका रंग इतना काला था कि कोयला भी उनसे कम नजर आए, और इसी के चलते शारदा की पड़ोसन उसे हर बार किसी न किसी हाथ पैर ताने दिया करती थी। शारदा की पड़ोसन एक दिन उससे कहती है, शारदा बहन, तेरी कोयले से भी काली बहू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है तेरी बहू? अनीता, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी बहू के बारे में तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तीनों जैसी भी हैं मेरे लिए बहुत सही हैं। तुम्हें उनके काले रंग का मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, जो सच है वही तो बोल रही हूँ, कोई गलत तो नहीं कहा। तुम्हारी बहू है ही इतनी काली, कोई भी बता देगा गांव में से। खैर, मैं तो गांव में देखा कि हर एक औरतें अपने बेटे की बहू लाने से पहले उसका रंग रूप और उसकी सुंदरता देखती हैं। लेकिन तुमने तो अपनी तीनों बहू के लंबे बाल देखे, अरे क्या मिल गया लंबे बाल देखकर? तुम्हें नहीं पता आजकल लंबे बाल होना कितना अच्छा होता है, लोग तो अपने लंबे बालों का फायदा उठाते हैं। और फिर शारदा बहन के घर में तो तीन तीन काली के काले लंबे घने बालों वाली बहू है, उनके बाल अगर शारदा बहन बेचेंगी तो माला माल हो जाएंगी। लेकिन फिर भी ये गरीब की गरीब ही है। उन दोनों की बातें सुनकर पास में खड़ी हुई कुछ औरतें खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। ये देखकर शारदा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अनीता से कुछ नहीं कहती। इसके बाद शारदा चुपचाप अपने घर में आ जाती है। पता नहीं क्या समझती हैं ये गांव की औरतें अपने आप को, जैसे खुद कोई मलूक हो या परी हो। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही है? अगर कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो बोलने दो, इसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोगों के कहने से हमें बुरा भी नहीं लगता। चलो माँ जी, यहाँ आकर बैठ जाओ और खाना खा लो, हमने सभी के लिए खाना बना दिया है। शारदा की तीनों काली बहू बहुत मेहनती थी और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उनके आने के बाद से उन्होंने घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाला था, लेकिन उनकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। शारदा वहां खाना खा ही रही होती है कि तभी उसके तीनों बेटे परेशान होकर घर में आते हैं और कहते हैं, लगता है जिंदगी में सारे दुख भगवान ने हमारे ही नसीब में लिखे हैं, तभी तो हमारा बेड़ा पार ही नहीं होता। पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है, चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आखिर क्यों हमारे साथ ये हो रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतनी उपजाऊ जमीन होने के बाद भी हमारे खेतों में सही से खेती क्यों नहीं हो पा रही, फसलें स्वस्थ क्यों नहीं उग रही हैं? तुम तीनों इतने परेशान क्यों हो? अरे इस तरह एक के बाद एक बोलते जा रहे हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे कोई एक समस्या बताओ। तभी आयुष कहता है, इस बार की फसल फिर से खराब हो गई, हमने कितनी मेहनत की थी जमीन पर, जैसे अकाल पड़ गया हो, चाहे जितनी मेहनत कर लो फसल स्वस्थ उगती ही नहीं। पता नहीं बेटा, ये तो जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, आते और जाते हैं, इतना सोचोगे तो पता नहीं कैसे जिएंगे, अब बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो। शारदा अपने तीनों बेटों को बहुत समझाती है, जिसके बाद वो लोग समझ तो जाते हैं, लेकिन घर की समस्याएं खत्म नहीं होती। एक दिन ऐसे ही शारदा की तीनों काली बहू जंगलों से कुछ लकड़ियां लेने जाती हैं। घर में गैस भी खत्म हो गई है, अब तो हमें लकड़ियों पर ही काम करना होगा, और तुम्हें तो पता है खेती बाड़ी का काम चल नहीं रहा है। सही कहा बहन, लेकिन जंगल से कोशिश करना कि सारी लकड़ियां सूखी सूखी ही बीन पाओ, क्योंकि गीली लकड़ियों में चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत समय लगता है। देखो यहाँ पर है सूखी लकड़ियां, चलो इन्हें उठा लेते हैं। वह तीनों वहां पर पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को उठा ही रही होती हैं कि तभी उन्हें एक जानवर के दर्द में करहाने की आवाज आती है। यह आवाज कहाँ से आ रही है, लगता है कोई जानवर जख्मी हालत में पड़ा है, चलो ढूंढते हैं। वह तीनों मिलकर जानवर को ढूंढने लगते हैं, तभी उन्हें एक हिरन जो कि बहुत सुंदर होता है वो जख्मी हालत में दिखाई देता है। वो तीनों मिलकर जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती हैं और उसके जख्मों पर लेप लगा देती हैं। कुछ ही देर में वो हिरन अच्छा महसूस करने लगता है और अपनी आंखें खोल लेता है, जिसके बाद वो तीनों काली बहू को देखकर एक बहुत सुंदर परी के रूप में बदल जाती है। अरे ये क्या, तुम तो एक बहुत सुंदर परी हो, लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की? तभी परी कहती है, मैं आसमान से यहाँ सैर करने आई थी और मुझे ये जंगल बहुत खूबसूरत लगा, मैं थोड़ा समय यहाँ बिताना चाहती थी, लेकिन कुछ शिकारी ने मुझे घेर लिया और उन्होंने मुझे मारकर यहाँ छोड़ दिया। इसके बाद मेरी यहाँ से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति ने मदद नहीं की, तुमने मेरी मदद की और तुम्हारी ही वजह से आज मैं ठीक हुई हूँ।
मेरी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो हमारा फर्ज था, तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो हम जरूर मदद करते। लेकिन तुम तीनों इस जंगल में क्या कर रही हो? यहाँ तो सिर्फ शिकारी आते हैं। दरअसल हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हमारे घर की गैस खत्म हो गई थी और हमें आज रात का खाना बनाना था, इसलिए हम यहाँ सूखी लकड़ियाँ लेने आ गए। रेशमा, पंक्ति और ऐश्वर्या तीनों मिलकर अपनी सारी परेशानियाँ जादुई परी को बता देते हैं, जिसके बाद जादुई परी कहती है, जब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी तुम्हारी मदद करने का पूरा फर्ज बनता है। मैं तुम्हारे लंबे बालों को जादुई वरदान देती हूँ। आज से तुम तीनों के लंबे बाल सोने, चांदी और हीरे में बदल जाएंगे और जब जब तुम अपने बालों को काटोगी तो वह वापस से सोने, चांदी और हीरे में बदल जाएंगे और तुम पहले से बहुत ज्यादा सुंदर और गोरी भी हो जाओगी। इतना कहते ही परी उन तीनों के ऊपर अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके बाद उन तीनों के लंबे काले बाल जो हैं वो सोने, चांदी और हीरे में बदल जाते हैं। वहीं उनका रंग बहुत सुंदर हो जाता है। जादू करने के बाद परी भी वापस अपने परीलोक में लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बहू जैसे ही अपने घर लौटती हैं तो शारदा उन्हें पहचान भी नहीं पाती। अरे कौन हो तुम तीनों और यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो सही, तुम्हारे बाल सोने, चांदी और हीरे के बने हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शारदा की तीनों बहू जोर जोर से हंसती हैं, जिसके बाद वो अपनी सास को जादुई परी के बारे में सब कुछ बताती हैं। ये सुनकर शारदा बहुत हैरान रह जाती है। बहुत लोग मुझे कहते थे कि मेरी बहू बदसूरत है, अब अगर कोई मेरी बहू को देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे काले लंबे बाल अब सोने, हीरे, चांदी के बन गए हैं। हाँ माँ जी, अब आप हमारे बाल काटो, जिसके बाद हमारे बाल हमारी मजबूरी को और परेशानियों को दूर करने में हमारी मदद करेंगे। शारदा अपनी तीनों बहू के कहने पर एक कैंची लेकर उन तीनों के बाल काट देती है, जिसके बाद वो उन बालों को एक सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देती है। इसी के चलते शारदा को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिससे वो सबसे पहले एक पक्का मकान खरीदती है और उसके बाद घर का सारा राशन डलवाती है। तो हमारी पत्नियों के सोने, चांदी और हीरे के बाल आ गए हैं। हम इससे अपने खेतों को और अच्छी फसल और बीज और खाद दे सकते हैं, जिसके चलते हमारी खेती बाड़ी का काम अच्छा खासा चलने लगेगा। सही कहा बेटा, तूने देखा, ये परेशानी अभी ही खत्म हो जाएगी। शारदा ऐसे कहकर फिर से अपनी तीनों बहू के थोड़े थोड़े बाल काट देती है, जिसकी जगह नए बाल उग जाते हैं और वह उन बालों को बेचकर उनसे मिले हुए पैसे अपने तीनों बेटों को दे देती है। वह तीनों अपने खेतों में उन पैसों को लगाते हैं और अच्छी फसल उगाना शुरू कर देते हैं। इसी के चलते जादुई सोने, हीरे और चांदी के बालों की मदद से उन सभी की परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह उन पैसों से गरीब लोगों की भी मदद करती है और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।